Hi student, welcome to RCI Edu Hub online classes, class 11th science, subject zoology, topic microbodies. सूक्ष्म काय सूक्ष्म काय जो होते हैं वो एकल झिल्ली युक्त होती हैं, यानी कि इनके चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण है वो एकल झिल्ली युक्त होता है। इनका निर्माण ईआर द्वारा होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिकुलम के द्वारा होता है। प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्फीरोसोम, सेकेंड परोक्सीसोम, ग्लाइओक्सीसोम। इनमें से सबसे पहले स्फीरोसोम। स्फीरोसोम जो होता है इसकी खोज डेंजियार्ड व पेरनर ने प्लांट कोशिकाओं में की, प्लांट सेल की पादप कोशिकाओं में। डेंजियार्ड व पेरनर ने प्लांट कोशिकाओं या पादप कोशिकाओं में इसकी खोज की। यह एनिमल सेल्स जो होती हैं, जंतु कोशिकाएं, उनमें अनुपस्थित होती हैं। इनका जो निर्माण होता है ईआर द्वारा होता है। ये लाइपोप्रोटीन से बनी होती हैं, इनमें भी लाइसोसोम जो होता है, लयनकाय जो होता है, उसकी तरह ही इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोलेज, प्रोटियोस, कार्बोहाइड्रेट्स, राइबोन्यूक्लिएज आदि, इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति जो होती है वो पादपों के अंदर, उन पादपों में होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जिनमें वसायुक्त जो पादप होते हैं उनमें सूक्ष्म काय, उनमें भी स्फीरोसोम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मूंगफली, सरसों और तिल, इनके बीज के बीज चौल
बीचोल की कोशिकाओं के अंदर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं ये कोशिका की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसके साथ ही इसके कार्य जो हैं स्फीरोसोम के उनमें मुख्य रूप से कार्य वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं उनको एकत्रित करना, और संश्लेषण, ऐसे पदार्थों का ये संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्मकाय है उसमें फर्स्ट स्फीरोसोम का टॉपिक हमारा यहाँ पर इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, क्रियाविधि और कार्य वो यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक यू।